प्रीवियस केस में मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स प्रोवाइड की थी विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर रिप्रेजेंटेशन. इन दैट एग्जांपल वी आर डिक्लेयरिंग वेरिएबल टाइप्स एज कैरेक्टर्स. एज वी नो व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर इन सी, कैरेक्टर विल टेक सो ऑलवेज 1 bytes. जस्ट देन वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम 1 by 1. जैसे फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंट्रोल जैसे इस प्रोग्राम के अंदर एंटर हुआ, सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई. एज वी नो x इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, देयरफॉर इट विल टेक्स 1 bytes. सेम एज y इज ऑल्सो कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, देयरफॉर इट विल टेक्स 1 byte इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में x के लिए कितने bytes एलोकेट होंगे 1 bytes, y के लिए भी कितने bytes एलोकेट हो रहे हैं 1 bytes, बिकॉज ऑफ डेटा टाइप एज कैरेक्टर. एज वी आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग कैरेक्टर सेट ऑफ c, कैरेक्टर सेट के केस में डिसाइड किया था, मीन्स जब भी सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर टाइप्स के वैल्यूज किसी भी वेरिएबल में सेंड करेंगे, कैरेक्टर्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, देयर आर्स की वैल्यूज. जब भी कैरेक्टर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करो लाइक ए, तो ए के केसेस में डायरेक्टली इसका बाइनरी नंबर निकालना पॉसिबल नहीं. इस केस में बाइनरी नंबर किसका निकालें, इट्स इक्विवेलेंट आर्स की वैल्यू. व्हाट इज द आर्स की वैल्यू ऑफ ए, आर्स की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए 65. तो एक्स केस में जब भी ए को असाइन कराएं तो ए के केस में असाइन क्या करें, बाइनरी नंबर ऑफ 65 लाइक दैट. फर्स्ट वन, इन फर्स्ट केस वी आर असाइनिंग एक्स इक्वल्स टू 65 डायरेक्टली. 65 के रिस्पेक्ट में 65 का बाइनरी नंबर क्या हुआ, इट इज इक्विवेलेंट टू 64 + 1. व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 64, वी कैन टेक दिस बिट एज 1 + 1 इज, दिस इज ऑल्सो 1, रिमेनिंग टाइम्स इज 0. बाइनरी नंबर क्या इसका 1 5 times 0 1 0 0 0 1 and 1 2 times 0. रिमेनिंग प्लेस में टोटल बिट्स जनरेट कितने बिट्स में हुए, 7 bits में. रिमेनिंग बिट्स असाइन करा लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू है 0. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65. नेक्स्ट वन, सिमिलरली इन सेकेंड केस में वाई के अंदर असाइन कराया गया कैरेक्टर ए, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए, अगेन 65. वाई के केस में वो नंबर असाइन हुआ जिसका आस्की वैल्यू 65, ए के इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू क्या 65. तो आसान क्या कराएंगे, बाइनरी नंबर ऑफ 65, अगेन सेम बाइनरी नंबर, मीन्स एक्स और वाई दोनों ही केसेस में सेम बाइनरी बिट्स आसान हुए, डिफरेंट बाइनरी बिट्स, एग्जैक्टली सेम बाइनरी बिट्स, लेकिन दोनों ही केसेस में डेटा टाइप भी कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम 1 1 bytes. फर्स्ट केस में असाइनमेंट डायरेक्टली आस्की वैल्यूज के फॉर्म में कराया गया, सेकेंड केस में कैरेक्टर्स के फॉर्म में, लेकिन दोनों के मीनिंग्स कैसे हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दोनों ही कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम. अब इस केस में किस केस में आस्की वैल्यू डिस्प्ले हुआ, किस केस में कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले हुआ, डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेट स्पेसिफायर. परसेंट डी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हुआ, अकॉर्डिंग टू परसेंट डी डेसिमल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू परसेंट सी कैरेक्टर वैल्यू, कैरेक्टर डेसिमल इंटीजर. फर्स्ट वन, फर्स्ट प्रिंट एप के अंदर पास किया एक्स और वाई, एक्स और वाई के केसेस में आसान क्या हुआ है, दैट नंबर. फर्स्ट केस में परसेंट डी से दोनों ही केस डिस्प्ले कराए गए, दोनों ही केस में इक्वल एंड डेसिमल वैल्यू क्या है 65 65, इसलिए दोनों ही केसेस में डिस्प्ले क्या हुआ 65 65, अकॉर्डिंग टू स्लैश एन कर्सर सेकंड लाइन पर सेट हो जाएगा. नेक्स्ट केस में सेम वैल्यू डिस्प्ले करा यूजिंग परसेंट सी के केस में डिस्प्ले क्या हुआ, इट्स कैरेक्टर वैल्यू, मीन्स इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है 65, और 65 का कैरेक्टर वैल्यू क्या है ए. तो फर्स्ट एक्स के केस में क्या रिप्लेस होगा, एक्स के प्लेस पर 65 ही रिप्लेस होगा, वाई के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा ऑल्सो 65, क्योंकि मेमोरी में क्या स्टोर है बाइनरी नंबर ऑफ 65, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू परसेंट सी वो कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ जिसका आस्की वैल्यू 65, मीन्स कैपिटल ए अकॉर्डिंग टू परसेंट सी ए एंड ए. नेक्स्ट आने में एक्स वाई पास किया गया, नेक्स्ट केस में एक्स वाई की प्लेस पर सपोज अगर मैं डायरेक्टली पास करता हूँ जस्ट 65 65, तब भी इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली सेम. फर्स्ट केस में 65 परसेंट सी के थ्रू डिस्प्ले करा, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ आस कैरेक्टर वैल्यू. सेकेंड केस में परसेंट डी से डिस्प्ले करा, सिंपली डिस्प्ले जाएगा इंटीजर नंबर 65. फाइनली लास्ट केस में क्या आएगा ए एंड 65. दिस इज द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स.